80 का वो दशक था जब रविवार के दिन का इंतजार होता। घड़ी में 9 बजते और सुबह सवेरे टीवी पर टेलीकास्ट होती रामानंद सागर की रामायण। वो रामायण जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता का किरदार निभाया अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने। ये किरदार लोगों के जहन में आज भी बसा हुआ है। कमाल की एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल अरुण गोविल ने मेरठ से बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा और 5,46,469 वोटों के साथ जीत भी हासिल की। इस जीत का किस्सा रामायण से जुड़ा है। बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ सदर में एक ऐतिहासिक बिलेश्वर नाथ मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी, जिसके फलस्वरूप मंदोदरी को बाबा भोलेनाथ ने रावण जैसे विद्वान पति का आशीर्वाद दिया। अरुण गोविल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो से पहले इसी मंदिर में पूजा की थी। बिलेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हरीश चंद्र जोशी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। शुरुआत हुआ था यहाँ से, तो इनने यहाँ से रैली निकाली थी। फर्स्ट जो है भगवान के दर्शन करके उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना करने के बाद हमने उनको ऐसे बाबा ने आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ विजयी होगा और अब तक आपको आज जी जी भगवान नाम से पूजे और आज देवादी महादेव के चरणों में आप आए हो, आपको हमेशा विजयी प्राप्ति होगी। मतलब कह सकते हैं बिलेश्वर मंदिर से ही जीत का मंत्र मिला और उन्होंने परचम लहराया है। बिल्कुल, जीत का परचम उनको, विजय का उनको मंत्र मिल गया था यहीं से और बाबा का आशीर्वाद से उनको माला भी प्राप्त हुई थी और उनका पूजन करा, उनके पूजन करा था भगवान शंकर उन्होंने अच्छी तरह मन से और उनको जो है विजय प्राप्ति हुई। आगे भी जहाँ जाएंगे तो उनको विजय प्राप्ति होती रहेगी। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक यहां वोटों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। हालांकि 10,585 वोटों के अंतर से अरुण गोविल ने मेरठ लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया। मेरठ से लोकल 18 के लिए विशाल भटनागर की रिपोर्ट।